हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बच्ची की पैदाइश हुई, बच्चे की तरबियत पर, परवरिश पर जितना ध्यान दिया जाता है उतना बच्ची की परवरिश पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? इसलिए कि बच्चा कमा कर देगा, बच्चा कमा कर खिलाएगा, बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन इस्लाम की तालीम क्या है कि परवरिश का हक लड़की को भी है। अगर आपके यहाँ बच्ची की पैदाइश हो रही है तो उसका यह हक है कि आप उसकी तरबियत करें, उसका यह हक है कि आप उसकी परवरिश करें, उसकी बेहतरीन पर्दाख्त करें, उसकी नशो नुमा करें और उसे बेहतरीन साँचे में ढाले, जैसा आप अपने बच्चे को ढाल रहे हैं, जैसा आप लड़के के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं वैसा अपनी बच्ची के लिए भी इंतज़ाम करें। जिस तरीके से आप लड़के के साथ मुआमला कर रहे हैं वैसे भी लड़की के साथ मुआमला करें। जितना ख्याल आप अपने बच्चे का रख रहे हैं उतना ख्याल आप अपनी बच्ची का रखें। यह मज़हब इस्लाम ने औरत को हक़ दिया है। इसीलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बना, जो इन लड़कियों के ज़रिए आजमाया गया। आपके यहाँ बच्चे की विलादत नहीं हुई, आपको लड़का चाहिए था, अल्लाह ने लड़का नहीं दिया, आपको लड़की ही लड़की दे दिया, 4, 5, 6, 7 लड़कियाँ आपके यहाँ हो गई। आपने सब्र कर लिया, आप अल्लाह के फैसले पर राजी हो गए, आपने जजा फजा नहीं किया, आपने बेटियों को बुरा भला नहीं कहा, आप तकदीर पर राजी हो गए, आपने अल्लाह के फैसले पर सब्र कर लिया। आमन्ना वसद्दकना, अल्लाह तेरे फैसले पर मैं राजी हूँ। क्या फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, फअहसना इलैहिन्ना, सब्र भी किया और बच्चियों के साथ एहसान किया। अब एहसान का क्या मतलब है? एहसान का क्या मतलब है? यानी जुल्म नहीं करना, उसे बुरा नहीं समझना, उसे अपने लिए शर्म का बाइस नहीं समझना है, उसे अपने लिए आर नहीं समझना है, बल्कि बेहतरीन परवरिश करनी। फअहसना इलैहिन्ना, उन बच्चियों के साथ एहसान करे, क्या फायदा मिलेगा? क्या फायदा मिलेगा? कुन्ना लहुन्ना सितरम मिनन नार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही बच्चियां कल कयामत के दिन ऐसे लोगों के लिए जहन्नम से आड़ और रुकावट बन जाएगी। ये मजहब इस्लाम हक देता है औरत को, लड़की को, कि उसकी भी वैसे ही परवरिश करनी है जैसे आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, जैसे आप अपने लड़के की परवरिश कर रहे हैं, जैसे आप अपने लड़के की देखभाल कर रहे हैं, वैसा ही ख्याल, वैसे ही देखभाल, वैसे ही देख रेख आपको अपनी बच्ची की भी करना होगा। आप अपने बच्ची की देख रेख करें, लड़की की परवरिश करें, उसके साथ एहसान करें। यहाँ बड़ा फ़ायदा शरीयत इस्लामिया ने रखा है कि बदले में ये लड़कियाँ कल क़यामत के दिन आपके लिए जहन्नम से आड़ और रुकावट बन जाए। किस बंदे की ये ख्वाहिश नहीं है कि वो जहन्नम से दूर हो जाए? किस बंदे की ये ख्वाहिश नहीं है कि जहन्नम में जाने से वो बच जाए? हर बंदे की ख्वाहिश है। नबी करीम अलैहिस्सलाम, मेरी और आपकी शरीयत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान ने एक सीधा फार्मूला मुझे और आपको दिया है कि आप बच्ची की परवरिश करें, बच्ची की पैदाइश पर सब्र करें, बच्ची की पैदाइश पर राजी हो जाएं, खुश हो जाएं, उसकी अच्छी तरीके से परवरिश कर लें, जन्नत आपका इंतज़ार कर रही है। आपका बच्ची की अच्छी तरबियत करना ये आपके लिए जहन्नम से आड़ और रुकावट।